सबसे पहला होता है जो कीड़ा बोलते हैं जिसको, दैट इज आइडिया। आज मेरे सोते समय एक आइडिया है अपने को फिल्म बनानी है बहुत बढ़िया, तो क्या करना पड़ेगा, तो उसको कहाँ से शुरुआत होती है, दैट इज आइडिया। ठीक है, अभी आइडिया सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ पे आती है मैं आपको बताता हूँ। अभी ये सब तो बहुत आसान काम है क्योंकि ये सब स्पॉन्सर्ड होता है। ठीक है, ये सारी चीजें ना ये स्पॉन्सर्ड होती है। सबसे मुश्किल काम यहाँ पे है, और एज अ क्रिएटर्स, एज अ फिल्म मेकर्स, आपको ये पार्ट सुनना सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप अपनी दुकान खोलते हो। ठीक है, ये दुकान के दरवाजे खुले, अब आप अपनी दुकान लेकर के कहाँ कहाँ जाएंगे। ठीक है, किसको लगता है कि मैं आइडिया लेके जाऊंगा, चार पांच लोगों को आइडिया बताऊंगा और फिर फिल्म बन जाएगी, आपको ऐसा लगता है? और किसको लगता है, किसी को, किसको अभी इसके उल्टा किसको लगता है, यार मैं 10 जगह जाऊंगा तो भी शायद मेरी फिल्म ना बने, क्यों लगता है आपको? बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड है। आर्टिस्टिकली मैं कौन से लेवल पर हूं मुझे पता नहीं है, तब तक मैं एक्सप्लोर नहीं करूंगा। ओके, तो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, राइट? आप मुझसे जो ज्यादा जानते हैं, काम करते हैं, अपॉर्चुनिटी तो उसे मुझे पहले मिलेगा ना, इसलिए। तो आप सब लोग ये मानते हैं कि जो आपसे सीनियर है, ज्यादा काम किया, उसको अपॉर्चुनिटी पहले मिलेगी, ऐसा मानते हैं? हम तो अब सीखते ही हैं। नहीं, आप लोग नहीं मानते। ओके, मैं भी आपके साथ हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मेरे से बहुत लोग सीनियर हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने शो बना लिया है, रेचल ने शो बना लिया है। Anyways, तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आइडिया। आइडिया को मुझे लगता है हमें ना, जो मैं हिंदी समझ रही है ना सबको? ठीक है, तो मैं हिंदी में ही बता देता हूँ। आइडिया को तीन कसौटियों पर खरा उतरना चाहिए। ठीक है, जो पहली कसौटी जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी कह रहे हैं, जिसमें से पहला होता है देश, यानी कि कंट्री, यानी कि स्थान। आप बोल सकते हो मैं किधर हूं, किस ऑडियंस के लिए मैं काम कर रहा हूं। देश से मतलब इंडिया के लिए नहीं है, देश से मतलब है आपकी ऑडियंस क्या है। अगर आपको यह पता है तो आपके आइडिया को आपको समझ में आएगा कि वो आइडिया सही है कि नहीं। ठीक, फिर आता है हिंदी का शब्द है काल, यानी कि टाइम, किस टाइम पीरियड में आप हैं। ठीक है, आज आप ऐसी एक फिल्म बनाने के लाएंगे जो बोलेगा यार वो हीरो वहां से चलता है, बैलगाड़ी में बैठता है, फिर आता है, लेकिन वो कहानी आज की होगी तो कोई नहीं मानेगा, बेवकूफ है क्या, उसको ट्रेन पकड़ लेना चाहिए। ठीक है, या फ्लाइट पकड़ लीजिए, अब तो स्पेस ट्रैवल भी आ गया। और एक हिंदी का शब्द है परिस्थिति, सिचुएशन, करेक्ट। इन तीनों पे अभी मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिचुएशन मतलब किस सिचुएशन में आप हैं, उससे मतलब नहीं है, आइडिया भी नहीं। सिचुएशन आपके आसपास की क्या है, करंट इश्यूज क्या चल रहे हैं। ठीक है ना, तो करंट इश्यूज में जरूरी नहीं है, मैं हमारा जो शो था वो करंट इश्यूज पे बिल्कुल नहीं था, लेकिन करंट इश्यूज में क्या है कि हम आज देख रहे हैं कि कैसे लोग अपनी संस्कृति को दोबारा जानना चाह रहे हैं। ठीक है ना, देश में इस समय ऐसा अच्छा माहौल है कि लोग जानना चाह रहे हैं कि यार हमारे पहले जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने क्या क्या त्याग किया, क्या क्या बलिदान किया, क्या क्या चीजें की, उनकी कहानी हमें सुननी है, हमें जाननी है। ठीक है, तो इसलिए वो ये थर्ड आपका आता है सिचुएशन। जब आपको ये लगे कि यार ये, मैं आप लोगों को ये राय दे रहा हूँ कि जब भी आप कॉन्सेप्ट लिखते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट लिखते हैं, हर एक को अपना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है, मतलब उसको कभी लगेगा ही नहीं कि ये कॉन्सेप्ट खराब है। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट जब लिखते हैं ना, तो प्लीज इन तीनों पे उसको खरा देखिएगा कि आपके हिसाब से, और अपने फ्रेंड्स को कॉन्सेप्ट, कौन कौन ऐसा है जो कॉन्सेप्ट को सोचता है कि ना मुझे कॉन्सेप्ट सुनाना नहीं है, कोई चोरी कर लेगा, और कौन ऐसा है जो बोलता है मैं तो किसी को भी कॉन्सेप्ट सुना देता हूँ, सुना
सुना देता। मैं दोनों की तरीके से होता है, मैं बताता हूँ कब कहाँ पे सुनाना चाहिए कौन पे नहीं सुनाना चाहिए। जब बहुत आइडिया आपका ऐसा लगता है ना कि यार ये आइडिया कभी पहले आया नहीं है, आइडिया स्टोरी नहीं, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी सीक्रेसी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री जो है वो बहुत मतलब मैं इतना वैसा शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन आइडियाज जो है लोग इंस्पायर होते हैं, ठीक है। लेकिन जो दूसरे वाले हैं उसमें आपको क्या होगा, आपको आइडिया मिलेगा कि आप जो हैं वो कहाँ खड़े हैं, मतलब दूसरा व्यक्ति को वो स्टोरी इंस्पायर कर रही है नहीं कर रही है, कैसा लग रहा है ना, आपको उससे काफी वो मिलता है, आइडिया मिलता है। तो इनसे जब आपका आइडिया बाहर आएगा तब जाकर के आप अब आप अपना आइडिया लेकर के किसके पास जाएंगे, आपको क्या लगता है? आइडिया तो अच्छा है लेकिन किसके पास लेके जाओगे आप आइडिया? डायरेक्टर पास जाएंगे सुनाने के लिए। नींद आ रही है? नहीं सर। चाय पी लीजिए ना जाकर। नींद नहीं है। एनीवेज आइडिया को डेवलप करते हैं, तो स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है, उसके बाद में किसी को अप्रोच करना होता है तो डायरेक्टर को किसी प्रोड्यूसर को। ओके, तो अभी मान लीजिए आपने बहुत मेहनत से ना 6 महीने लगा करके स्टोरी लिख डाली, बहुत अच्छा लगा, सब दोस्तों ने तो बोला भाई तू अगला मतलब विनोद चोपड़ा तू ही है, ठीक है, तो तू बना फिल्म, ठीक है, आपने मस्त मस्त टाइम लगा के डेवलप कर लिया, किसी को अच्छी नहीं लग रही आपकी स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसरों के धक्के खा रहे हो आप जाकर, फिर क्या करोगे? कितने लोगों के करेक्शन करेंगे आप? मतलब मैंने बोला आप मेरे से मिलने आए, मैं बोलूंगा हीरो की एंट्री ना इंटरवल के बाद करनी चाहिए, किसी दूसरे से मिलोगे वो बोलोगे हीरो की एंट्री आपको इंटरवल के पहले करनी चाहिए, मतलब हीरो का बाप नहीं होना चाहिए माँ होनी चाहिए। कितने करेंगे? सबसे फीडबैक लेंगे जिनका हमें लगेगा कि ये करने से हमारी स्टोरी है स्क्रिप्ट वो अच्छी हो सकती है, केवल वो करेंगे, और कुछ चीजें हैं टाल भी सकते हैं जो हमें लगेगा कि हाँ ये करना चाहिए इससे ठीक हो सकता है, उसको वो करेंगे। और कोई है? आप सर कर तो सकते हैं चेंजेस कोई भी बोलते, क्योंकि फिर उस हिसाब से उनको भी एक्सपीरियंस है ना, क्योंकि उन्होंने सारा इन्वेस्ट किया प्रोड्यूसर ने, तो करना तो पड़ेगा ही। नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ कि अभी आपको प्रोड्यूसर मिला नहीं है, अभी आप धक्के खा रहे हो, ठीक है, अभी आप धक्के खा रहे हो, अभी प्रोड्यूसर मिला नहीं है, अभी क्या करोगे? किसी स्क्रिप्ट राइटर या किसी स्क्रिप्ट डॉक्टर के पास। स्क्रिप्ट डॉक्टर क्या होता है? मतलब जो स्क्रिप्ट में करेक्शन टेक्निकली जो फॉल होता है ना स्क्रिप्ट में जो वो ठीक कर सके उसे ही स्क्रिप्ट डॉक्टर बोलते हैं, तो इसीलिए वो पैसा लेता है। और टेक्निकल कितने फिल्में आप नाम बना सकते बता सकते हो जो स्क्रिप्ट डॉक्टर के से गुजरी हैं और सुपर हिट हुई हैं? एबीसीडी कौन? एबीसीडी जो डांस वाली थी वो स्क्रिप्ट डॉक्टर से गुजरी थी और उसमें स्क्रिप्ट की वजह से पिक्चर हिट हुई, ऐसा नहीं है गुजरी थी एक फालतू कर गया। ओके, और देखिए मैं अभी एक मिनट आपस में बात करूं, मैं आपको इतना बोलूंगा कि कोई भी डॉक्टर कंपाउंडर, ठीक है, ऐसा कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि आप हैं क्रिएटिव, सबसे ज्यादा सब्जेक्ट पे पकड़ है आपकी, ठीक है, आप कितने भी डॉक्टरों के पास जाइए, ये चैनल वालों ने और सबने ये अच्छा खोल रखा है अभी आजकल कि आप स्क्रिप्ट डॉक्टर होगा आर होगा फलाना होगा धमाका होगा, बट एक्चुअली कभी भी ये आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। आपकी मदद जो करेगा ना वो मैं आपको अभी बताता हूँ, आपकी मदद करेगा जो बोल रहे हैं बोले जोर से तो 50 होता है कन्विक्शन।
कन्विक्शन का मतलब कितने लोगों को पता है? किसी को पता है? What we are going to do, the result, how result will be at the end? How your result will be at the end? We have planned, accurate plan about our. How we convey our accurate plan? Okay. कन्विक्शन का मतलब ये नहीं है वैसे. कन्विक्शन का मतलब बहुत कुछ ना सेल्फ बिलीव सा है. इट इज वेरी क्लोज टू सेल्फ बिलीव. कन्विक्शन का मतलब होता है कि जो मैं कर रहा हूं, जैसे मैं कर रहा हूं, वो ठीक कर रहा हूं. ठीक है. अब ये ही मैं बता रहा हूं कि ना ये कन्विक्शन की तरफ. ऐसा नहीं है कि आप इस कमरे में गए और वहां कन्विक्शन था, आप उठा के ले आए. कन्विक्शन आपके अंदर से आता है. इसका मैं आपको एग्जांपल भी बताता हूं कि क्यों मैं ये बात कह रहा हूं. दुनिया में जितनी भी फिल्में बनी हैं जो बहुत सुपरहिट हुई हैं, पागलों की तरह सुपरहिट हुई हैं, मतलब एक होती है कि हिट है, ठीक है, और एक होती है कि ब्लॉकबस्टर है. तो अभी रिसेंट कुछ ब्लॉकबस्टर का नाम बताइए ना. KGF, कंतारा कौन बोला? वेरी गुड कंतारास्त्र. कितने लोग चाहते हैं कि मैं ब्रह्मास्त्र लिखूं? कश्मीर फाइल्स. बस ऐसे तो शाम हो जाएगी. तो ये जितने भी नाम आप देख रहे हैं, मैं इसमें एक और नाम, मेरी पर्सनल फेवरेट है, तेलुगु में उसको ईगा बोलते हैं और हिंदी में वो मक्खी के नाम से लिखी हुई. ठीक है. तो इन सारी फिल्मों में कॉमन चीज आपको क्या दिखती है? यूनिकनेस. क्या क्या आपको ये लगता है कोई भी फिल्म बिना कन्विक्शन के बनी होगी, या किसी स्क्रिप्ट डॉक्टर ने इलाज करके इसका स्क्रिप्ट लिखा होगा? नहीं, नहीं, नहीं. नहीं ना. तो ये सारी फिल्में इस बात का एकदम बर्निंग एग्जाम्पल है कि कन्विक्शन विंस एट द एंड. अगर आपके अंदर कन्विक्शन है, यानी कि जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं, वंस यू आर कन्विंस्ड कि मेरी ऑडियंस और ये जो तीन पॉइंट मैंने बताए हैं, इन तीन पॉइंट्स पे अगर मेरी फिल्म बराबर है, ठीक है, तो वो फिल्म आपकी कन्विक्शन पे ही आगे बढ़ेगी. इसका मतलब अब देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं जिंदगी में एक चीज मैंने सोच ली कि मैं यही एक फिल्म करने वाला हूं और उसके पीछे मैंने जीवन खपा दिया. ऐसा बहुत लोग करते हैं, उनको बहुत लोग इसमें मतलब उनको सफलता भी मिलती है. लेकिन मैं यही राय दूंगा कि आप लोग अभी यहां से जब जाएंगे, देखिए क्लास में सीखना हमारा ध्येय तो है, लेकिन उस सीख को इम्प्लीमेंट करना उससे बड़ा ध्येय है. करेक्ट. तो अगर आप सीख रहे हैं और उस क्लासरूम के बाहर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सीख किसी काम की नहीं. तो मेरे हिसाब से आपको कन्विक्शन बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अपना ये भी देखना चाहिए कि मेरे लिए सही क्या है. कन्विक्शन वाला आइडिया जरूर रखिएगा, लेकिन साथ में आपको एक ऐसा आइडिया भी रखना पड़ेगा जो ये कहे कि बॉस मेरी लाइफ मुझे आगे भी बढ़ानी है ना. तो ये बात याद रखिएगा, जिंदगी में कभी भी आपको कन्विक्शन ही आगे जीत दिलाएगा. तो कन्विक्शन आपका सबसे बड़ा पॉइंट है. इसी से कनेक्ट होता है यहां की सारी चीजें. यू नीड कन्विक्शन फॉर लोकेशन, यू नीड कन्विक्शन फॉर स्क्रिप्ट, राइट, यू नीड कन्विक्शन फॉर क्रू, हायरिंग द क्रू. हायरिंग द क्रू इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ मेकिंग अ फिल्म, शो और जो भी है. क्योंकि देखिए क्या है, अगर आपका क्रू अच्छा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते. फिल्म बनाने की जो फील्ड है वो इंडिविजुअल गेम नहीं है, इट्स अ टीम वर्क. तो अगर आपका टीम वर्क सही नहीं है, अगर आपकी टीम सही नहीं है,
तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे आता है कि जब आप क्रू हायर करते हैं तो आपका डीओपी कौन है, डीओपी का फुल फॉर्म कौन बताएगा? तो आज आपने दिन भर यही सीखा होगा ना उन्हीं के साथ, ठीक है। तो ये आया आपका, तो अब ये कन्विक्शन जो है ना ये आपको अपने साथ लेके जाना है घर पे, बाकी आप भूल जाओगे चलेगा। कन्विक्शन एंड ये तीन पॉइंट, ठीक है। कन्विक्शन होना आपके अंदर बहुत जरूरी है जिंदगी के हर काम करने के लिए। अगर आपके अंदर कन्विक्शन नहीं है, अगर आपको अंदर सेल्फ बिलीफ नहीं है कि जो मैं कर रहा हूं या मैं करना चाहता हूं ये काम सही है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे।